हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होप यू आर ऑल डूइंग वेल तो कल हम डिस्कस कर रहे थे स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट का एग्ज़ाम जो कि हेल्ड हुआ था 2017 में और अगर इसके पोस्ट कोड की बात करें तो इसका पोस्ट कोड है 485 तो कल हमने इसका पार्ट वन डिस्कस किया था जिसमें हमने हिस्ट्री जियोग्राफी पॉलिटी साइंस हिमाचल जी के हिंदी और इंग्लिश का सेक्शन डिस्कस कर लिया था तो अगर आपने वो वाली वीडियो अब तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ वहाँ पर पार्ट वन करके लिंक दिया गया होगा उस लिंक पर क्लिक करके पहले उस वीडियो को देख लें बाकी आज हम इसका पार्ट टू डिस्कस करेंगे जिसमें हम स्टेटिस्टिकल असिस्टेंट के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हंड्रेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तो इन क्वेश्चन से रिलेटेड मुझे उतनी जानकारी नहीं है तो मैं सीधा क्वेश्चन पढ़ के आंसर्स आपको बताया करूँगा तो इसी के साथ चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो क्वेश्चन नंबर वन से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर वन है हमारा क्वेश्चन नंबर वन की बात करें को रिलेशन वेर फ्रॉम माइनस वन टू माइनस वन टू प्लस वन ऑप्शन ए करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन वट इज़ अ स्मॉल टेस्ट सो टी टेस्ट इज द स्मॉल टेस्ट ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर हमारा थ्री है नल हाइफोथिस इज एक्सप्रेस्ड बाय सो यहाँ पर राइट ऑप्शन ऑप्शन बी एच जीरो नेक्स्ट क्वेश्चन रिग्रेशन ऑफ एक्स एंड वाई कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय सो so, यहां पर भी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा अगले क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर हमारा फाइव है किसका प्रयोग विचलन से संबंधित अवधारणाओं का परीक्षण करने के लिए किया जाता है सो क्वेश्चन नंबर फाइव का ऑप्शन डी एफ डिस्ट्रीब्यूशन का नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज अ टाइप ऑफ सैंपल सो विच इज अ टाइप ऑफ सैंपल क्वेटा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा क्वेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर हमारा सेवन है डिपेंडेंट टर्म इज यूज्ड इन कोरिलेशन कोरिलेशन ऑप्शन बी करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन रैंकिंग मेथड इज़ अ टूल ऑफ कोरिलेशन ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा अगले क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर हमारा नाइन है रिग्रेशन मीन्ज सो रिग्रेशन मीन्ज टू रिटर्न बैक वापिस आना ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा अगले क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर हमारा टेन है रिग्रेशन ऑफ एक्स एंड वाई कैन बी एक्सप्रेसड वाई सो क्वेश्चन नंबर टेन का राइट ऑप्शन ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट हो जाएगा अगले क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर हमारा इलेवन है विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज यूज फॉर टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर इलेवन का राइट ऑप्शन ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा chi -square test, question, so, का स्क्र टेस्ट ऑप्शन ए करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी थ्योरी सो ट्वेल्व का राइट ऑप्शन ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज यानी कि डिसीजन थ्योरी भी सैम्पलिंग थ्योरी गेम्स थ्योरी ऑल ऑफ दीज यहाँ पर करेक्ट होगा ऑप्शन डी करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन विच वट इज द चांस ऑफ ड्राॅइंग क्वीन फ्रॉम अ पैक ऑफ फिफ्टी टू कार्ड सो थर्टीन का राइट ऑप्शन ऑप्शन बी वन बाई थर्टीन ऑप्शन बी करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर हमारा फोर्टीन है एक बैग में दस सफेद और छः लाल गेंद हैं तो सफेद गेंद चयन की संभावना क्या है तो यह पाँच बाई आठ ऑप्शन ए करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी इंक्लूड्स सो फिफ्टीन का राइट ऑप्शन ऑप्शन डी सिंपल इवेंट्स इक्वली लाइकली इवेंट्स डिपेंडेंट इवेंट्स यानी कि ऑल ऑफ दिस ऑप्शन डी करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर हमारा सिक्सटीन है एट पी थ्री कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय सो क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कितने तरीकों से हम एक बुक शेल्फ में चार पुस्तकें व्यवस्थित कर सकते हैं सो क्वेश्चन नंबर सेवनटीन का राइट ऑप्शन ऑप्शन बी 24 तरीकों से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है कितने तरीकों से राइट right शब्द के अक्षरों को व्यवस्थित कर सकते हैं तो ये कितने तरीकों से कर सकते हैं 120 तरीकों से ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 19 एक पासे को फेंकने पर 1 या 3 प्राप्त करने की संभावना क्या है तो यह है एक बटे तीन वन बाय थ्री ऑप्शन ए करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन गुणवत्ता नियंत्रण के लिए निम्न में से कौन सी सांख्यिकी विधि का उपयोग किया जा सकता है तो यह किया जा सकता है रेंज का ऑप्शन ए करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन व्यवस्थित प्रतिदर्श का संबंध है सो ट्वेंटी वन का राइट ऑप्शन ऑप्शन सी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर हमारा ट्वेंटी टू है नॉन सैंपलिंग एरर अकर एट द टाइम ऑफ सो ट्वेंटी टू का राइट ऑप्शन ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिज ऑप्शन डी को रेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री से लेकर के थर्टी टू तक आपको क्वेश्चन दिए गए होंगे तो आपको इस पैराग्राफ को पढ़ कर ये सारा पैराग्राफ है इसको आपको पहले तो पढ़ना है सा, सारे को तो इसको पढ़ने के बाद आपको सिंपली आंसर्स देने हैं तो मैं आपको सिंपली आंसर्स बताऊँगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री से लेकर के थर्टी टू तक आप इसको पहले पढ़ लो स्क्रीन शॉट लेकर या फिर वीडियो को पॉज करके तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री से सो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्यारह सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर का राइट ऑप्शन ऑप्शन बी इकतीस सौ नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सात सौ पचास नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फिफ्टी नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तेईस सौ पचास नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा छप्पन नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पाँच सौ अस्सी क्वेश्चन नंबर थर्टी का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर एटी फोर ऑप्शन ए करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी वन सो थर्टी वन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट right ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सो यहाँ पर हमने थर्टी टू क्वेश्चन तक यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं क्वेश्चन आप इनको एक बार अच्छे से देख लेना बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री की क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री है स्थानीय औसत है सो so स्थानीय औसत है तो यहाँ पर थर्टी थ्री का राइट ऑप्शन ऑप्शन डी को हो जाएगा बोथ बी एंड सी बोथ बी एंड सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर हमारा सॉरी थर्टी थ्री यस थर्टी थ्री का राइट ऑप्शन ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर की बात करें रेंज लिमिट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सो रेंज रेंज लिमिट कैसे दर्शाई जा सकती है तो ये दर्शाई जा सकती है आर इज इक्वल टू एल माइनस एस ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा अगले क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर हमारा थर्टी फाइव है सो so हमारा क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटिस्टिकल मेजर इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन सो हारमोनिक मीन ऑप्शन ए करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ़ द फॉलोइंग कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम अमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व सो क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स का राइट ऑप्शन ऑप्शन सी मीडियन मीडियन ऑप्शन सी को रैक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन सो यहाँ पर राइट ऑप्शन ऑप्शन बी कोफिशेंट ऑफ वेरिएशन ऑप्शन बी को रेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन द मोस्ट कॉमनली यूज मेजर ऑफ डिस्पर्सन इज अ इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन द मॉडल क्लास इज अ क्लास विद द हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑप्शन ए करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन इफ़ द फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल इज अ फोर्टी एंड एटी रिस्पेक्टिवली मीडियन इज सो द मीडियन इज अ सिक्सटी ऑप्शन ए कोैक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन द रेंज बेस्ड ऑन मिडल फिफ्टी परसेंट ऑफ द इज कॉल्ड सो ये हो जाएगा इंटर क्वार्टाइल रेंज ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू है फॉर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू सो फोर्टी टू का राइट ऑप्शन ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन सौ वस्तुओं के समूह का अंक गणितीय माध्यम पचास है और दूसरी एक सौ पचास वस्तुओं के समूह का सौ है तो सभी वस्तुओं का माध्यय क्या होगा तो ये होगा अस्सी ऑप्शन सी करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू तो माध्य आपको दिया है बाईस और माध्यिका दी गई है दो सौ चौदह औसत बहुलक आपको ज्ञात करना है सो फोर्टी टू का राइट ऑप्शन ऑप्शन ए ट्वेंटी वन पॉइंट वन आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर हमारा फोर्टी फाइव है इन अ मॉडरेटली

क्या होगा तो ये होगा फिफ्टी पॉइंट थ्री ऑप्शन बी करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन सामान्य वितरण का चक्र क्या है तो यह है परफेक्टली सिमिट्रिकल ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नॉट रिजेक्टिंग नल इट हाइपोटि फेक्टिव फॉलिज सो फोर्टी नाइन का राइट ऑप्शन ऑप्शन बी टाइप टू एरर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर हमारा फिफ्टी है द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कमिटिंग सो फिफ्टी का राइट ऑप्शन ए टाइप ऑप्शन ए करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन का स्क्वेयर टेस्ट इज बेस्ड ऑन सो का स्क्र टेस्ट इज बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसीज ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन येस्टक्शन इन का स्क्र वैल्यू वेन सेल फ्रीक्वेंसीज आर सो फिफ्टी टू का राइट ऑप्शन बी स्मॉल ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री टी टेस्ट वॉज अ डेवलप बाई सो टी टेस्ट वॉज डेवलप बाई डेवलप बाई विलियम गोसेट ऑप्शन बी करैक्ट हो जाएगा विलियम गोसेट ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन एमंग द फॉलोइंग इज अ स्मालेस्ट सैम्पल सो फिफ्टी फोर का राइट ऑप्शन ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज ऑल ऑफ दीज नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉफिशेंट ऑफ एसोसिएशन सो फिफ्टी फाइव का राइट ऑप्शन ऑप्शन बीट इज टी टेस्ट ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर हमारा फिफ्टी सिक्स है सो फिफ्टी सिक्स आप क्वेश्चन देख सकते हो फिफ्टी सिक्स का राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा नाइनटी फाइव परसेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें सो क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन का राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन बी का स्क्वेयर टेस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ टेस्ट इज सो फिफ्टी एट का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वेरियंस टेस्ट ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन है इलास्टिक डिमांड इज सो so, इलास्टिक डिमांड इज ग्रेटर देन वन ऑप्शन ए यहाँ पर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा फिफ्टी नाइन का ए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर हमारा सिक्सटी है द नेचर ऑफ क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन केस ऑफ कंटेम्परेरी कंप्लीमेंट्री प्रोडक्ट विल बी सो सिक्सटी का राइट ऑप्शन ऑप्शन बी नेगेटिव होगा ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर हमारा सिक्सटी वन है सो so हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन है वट इज द नेचर ऑफ इलास्टिस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर लग्जरी आइटम्स लाइक हाई क्लास फर्नीचर सो सिक्सटी वन का राइट ऑप्शन ऑप्शन बी हाईली इलास्टिक ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन उत्पाद के लिए अपरिहार्य मांग को प्रभावित नहीं करता है सो सिक्सटी टू का राइट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा स्टेट ऑफ प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर हमारा सिक्सटी थ्री है लग्जरी वस्तुओं के लिए मांग की लोच है तो यह है इन्फाइनाइट यानी कि अनंत ऑप्शन ए करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर मांग लोच की गणना कीजिए जब धान की कीमत में साठ परसेंट वृद्धि हो जिसके कारण आपने आपके द्वारा क्रय किए गए धान की मात्रा में एक सौ बीस परसेंट की गिरावट आती है सो सिक्सटी फोर का राइट ऑप्शन ऑप्शन ए टू ऑप्शन ए टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फाइव निम्न में से कौन सा मांग का प्रकार नहीं है तो so, कौन सा मांग का प्रकार नहीं है तो यह है सप्लाई डिमांड ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा आपूर्ति मांग नेक्स्ट क्वेश्चन वट द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन यूनिटी द कॉमोडिटी इज सो 66 सिक्स का राइट ऑप्शन ऑप्शन बी अलग ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन यदि मांग वक्र आयताकार अति पर परवलय है तो लोच है सो so, सिक्सटी का ऑप्शन ए करेक्ट वन नेक्स्ट क्वेश्चन इन जनरल द डिमांड फॉर नेसेसरीज इज रिलेटिवली सो सिक्सटी एट का ऑप्शन ए करेक्ट इन इलास्टिक बे लोच ऑप्शन ए करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कीमत निर्धारण लाभकारी और शक्य है यदि दो बाजार हैं सो so, यदि दो बाजार हैं तो क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नाइन का ऑप्शन बी करेक्ट होगा डिफरेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मांग की लोच भिन्न हो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर हमारा सेवेंटी है किसी दी गई वस्तु के लिए मांग का वक्र का क्षेत्र नापता है तो ये नापता है टोटल यूटिलिटी को ऑप्शन डी करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर हमारा सेवेंटी वन है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सेवेंटी वन है तृप्ति के बिंदु पर सीमांत उपयोगिता होती है तो ये उपयोगिता होती है जीरो ऑप्शन ए करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन वस्तु ए की संतुष्टि के अधिकतम स्तर पर वस्तु ए की सीमांत उपयोगिता क्या होगी सो so, ये होगी जीरो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी थ्री आप स्क्रीन पर देख सकते हो शुद्ध एकाधिकार के लिए उत्पादन का संतुलन स्तर है जहाँ तो जहाँ एम आर इक्वल टू एम सी ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर हमारा सेवेंटी फोर है निम्न वस्तुओं में से जहाँ एक ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम कम से कम लागू किया किया सकता है तो सो फोर का ऑप्शन बी करेक्ट होगा सिगरेट्स ऑप्शन सिगरेट्स ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा सिगरेट्स का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द बेसिस फॉर द इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस सो सेवेंटी फाइव का राइट ऑप्शन ऑप्शन बी ऑर्डिनल यूटिलिटी ऑप्शन बी करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन वैन मार्जिनल यूनिटी यूटिलिटी इज नेगेटिव देन टोटल यूटिलिटी इज सेवेंटी सिक्स का ऑप्शन बी करेक्ट होगा डिक्रीज इज ऑप्शन बी करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर हमारा सेवनटी सेवन है एक उपभोक्ता संतुलन वाली दो वस्तुओं का उपभोग करता है जब दोनों वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता है जब उपयोगिता है इक्वल ऑप्शन सी करेक्ट होगा समान नेक्स्ट क्वेश्चन कुल उत्पादन महत्तम होगा जब जब ऑप्शन सी ऑप्शन सी, सी मार्जिनल प्रोडक्शन इज जीरो सीमांत उत्पादन शून्य होगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा सेवेंटी नाइन क्वेश्चन नंबर सेवेंटी नाइन है बिक्री लागत किसके अनुसार आवश्यक है सो so, बिक्री लागत किसके अनुसार आवश्यक है तो यह है इम परफेक्ट मोनोपोली के कारण ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन मोनोपोलिस्ट कैन फिक्स सो एटी का राइट ऑप्शन ऑप्शन बी ईदर प्राइस और आउटपुट ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर हमारा एटी वन है मूल्य निर्धारण हमेशा किस तरफ ले जाएगा सो so, मूल्य निर्धारण हमेशा किस तरफ ले जाएगा नो चेंज इन आउटपुट की तरफ ऑप्शन सी करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कंज्यूमर्स आर लाइकली टू गेट मैक्सिमम वैरायटी ऑफ गुड्स अंडर सो एटी टू का राइट ऑप्शन ऑप्शन ए इम परफेक्ट कम्पिटिशन ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा अगले क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर हमारा एटी थ्री है अ शिफ्ट इन सप्लाई विल हैव अ बिगर इफेक्ट ऑन प्राइस देन आउटपुट इफ डिमांड इज प्राइस इन इलास्टिक ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इफ द प्राइस बिलो द प्राइस देयर वुड बी देयर वुड बी एक्सेस डिमांड ऑप्शन ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा अब क्वेश्चन नंबर हमारा एट्टी फाइव की बात करें द प्राइज मैकेनिज्म कैन नॉट शिफ्ट द डिमांड ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर एट्टी सिक्स प्राइस डिटर्मिनेशन पॉलिसी हेल्प्स इन इंक्रीजिंग प्रॉफिट्स इन केस ऑफ इन केस ऑफ मोनोपोली ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन वन एवरेज रिवेन्यू इज कॉन्स्टेंट मार्जिनल रिवेन्यू इज इक्वल टू इक्वल टू एवरेज रिवेन्यू ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन्ज़ सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन्ज कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर हमारा एटी नाइन है क्वेश्चन नंबर एटी नाइन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवर्टेड यू शेप्ड कर्व सो एटी नाइन का राइट ऑप्शन ऑप्शन डी मार्जिनल कॉस्ट ऑप्शन डी करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नॉर्मल प्रॉफिट्स आर कंसिडर्ड एज सो सोनाइटी का ऑप्शन बी करेक्ट होगा इम्प्लेसेड कॉस्ट ऑप्शन बी करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन द एडवर्टाइजिंग कॉस्ट इज इंक्लूडेड इन सो नाइंटी नाइनटी वन का राइट ऑप्शन ऑप्शन सी नेवर इंक्लूड इन वेरिएबल कॉस्ट ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर हमारा नाइन्टी टू है क्वेश्चन नंबर 92 टू है प्राइस डिटरमिनेशन विल नॉट बी अ गुड अप्रोच फॉर विल नॉट बी अ गुड अप्रोच फॉर एफ एम सी जी कंपनी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर नाइन्टी फोर की बात करें क्वेश्चन नंबर हमारा नाइन्टी फोर है एक कंपनी जो विशाल संख्या में उत्पाद बनाती है वह कीमत निर्धारण नीति अपनाती है उसे क्या कहते हैं तो उसे कहते हैं प्राइस लीडरशिप प्राइस लीडरशिप ऑप्शन डी करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इन परफेक्ट कंपटीशन इन द लॉन्ग रन देयर विल बी सो नाइनटी फाइव का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर हमारा नाइन्टी सिक्स है क्वेश्चन नंबर नाइनटी सिक्स है अल्पाधिकार में बाजार लिंक्ड मांग वक्र बनाता है तो ये मांग वक्र बनाता है किसकी बनाता है ऑप्शन ए प्रतिद्वंदी कंपनियों में मिली भगत की ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर हमारा नाइन्टी सेवन है अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज द प्राइस सो नाइन्टी सेवन का राइट ऑप्शन ऑप्शन है टेक कर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन है वैन गुड्स इन द डोमेस्टिक मार्केट आर सोल्ड एट अ हाई प्राइस एंड इन द फॉरन मार्केट एट अ लो प्राइज इट इज़ द सिचुएशन ऑफ सो इट इज़ द सिचुएशन ऑफ सिचुएशन ऑफ डंपिंग ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा डंपिंग की वह सिचुएशन होती है तो गाइज़ यहाँ पर हमने पूरा का पूरा एग्ज़ाम जो है तो डिस्कस कर दिया है स्टेटिस्टिकल असिस्टेंट का जिसका पोस्ट कोड है फोर एटी फाइव आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें अपने भाई बहनों के साथ ज़रूर से इसे शेयर करें बाकी पार्ट वन की वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी है जिसमें हिस्ट्री जियोग्राफी पोलिटिक्स साइंस हिमाचल जी के हिंदी और इंग्लिश का सेक्शन है तो उसको भी जा कर के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वहाँ पर क्लिक करके पार्ट वन को देख लें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल वीडियो होगी आपके लिए सो इसी के साथ वीडियो कैंट करते हैं मिलेंगे अगली वीडियो में टिल दन टेक केयर